बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आप डॉक्टरों और हकीमों के ख़र्चों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, आपके जिंसी मसाइल और अज़्वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी टिप्स लेके आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी परेशानियां कम होती रहें। जो औरत तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतार रही हो तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बदकिरदार है, इसका ये मतलब है कि वो तुम पर भरोसा करती है। बंदे का सबसे बढ़िया अलमिया यही है कि उसे औरत सेक्स से आगे दिखाई ही नहीं देती। माहरीन नफ्सियात का कहना है कि औरत उस वक़्त सोहबत में अंधी हो जाती है जब उस पर गलबाए लज्जत होती है, क्योंकि औरत रुई और मर्द आग की मानिंद है। जो भी औरत खुशबू लगाकर नामहरम मर्दों के पास से इसलिए गुजरे ताकि वो उसकी खुशबू सूंघ ले, तो ऐसी औरत जानिया है। जो बीवी शोहर के लिए सजना सवरना बंद कर दे, उसे शौहर के देर से घर आने पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। ख्याल रखें, ये ज़िंदगी दो दफ़ा आपको एक मुखलिस औरत से नहीं नवाजेगी। बेवकूफ़ औरत अपने शौहर को ग़ुलाम बनाती है और ख़ुद ग़ुलाम की बीवी बनती है, जबकि अक्लमंद औरत अपने शौहर को बादशाह बनाती है और ख़ुद उसकी मलका बनती है। खुद का नेगेटिव पॉइंट जान लेना ज़िंदगी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इंसान सोचता वही है जो पाना चाहता है, मगर होता वही है जो उसकी तकदीर में लिखा होता है। वक़्त अगर एक जैसा रहता तो इंसानों की पहचान कैसे होती। ज़िंदगी में ऐसे इंसान को कभी ना खोना जो गुस्सा करके खुद तुम्हारे पास आए। लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए वजाहतें देने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस औरत की टांगों पर ज़्यादा बाल हों, ऐसी औरतें हम बिस्तरी के दौरान मर्दों को गर्म जोशी दिखाती हैं। हम बिस्तरी के दौरान जो औरत मर्द की शर्मगाह बार बार चूमती है, ऐसी औरत में गर्म जोशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा अमल जायज़ नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस आपकी रहनुमाई के लिए मिलते रहें। इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।